जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, ध्यान में आपको जो रोशनी दिखाई देती है, किसी को वो दीपक दिखाई देता है, किसी को वो लाइट की तरह दिखाई देता है। ध्यान के सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, एक जैसे अनुभव नहीं होते हैं सबके। तो मेरे पास एक कमेंट आया है आज भावना जी का। उन्होंने बोला है कि माता जी, मैं 4 महीने से नाम जप करने लगी हूँ और नाम जप में ही मेरा ध्यान लग जाता है, और जब मेरा ध्यान लगता है तो मुझे दीपक दिखाई देता है और वो दीपक 9 फीट की ऊंचाई तक जाता है, मतलब दीपक की रोशनी, और फिर वो वापस आ जाती है। तो प्रेमी भक्तों, ध्यान में दीपक की रोशनी दिखाई देना बहुत ही शुभ संकेत है, और उसके ऊपर 9 फीट ऊपर जाना वो, ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। उनके ऊपर परम की परम कृपा है। उनके ऊपर क्या, जिसको भी ऐसा अनुभव होता है तो वो सभी सुन लो। मैंने इसलिए वीडियो बनाई है ताकि सब लाभ ले सकें। उन्होंने पूछा है, माता जी 9 फीट ऊंचे जाने का मतलब क्या होता है? देखो, 9 फीट ऊंचाई ऊपर जाना दीपक का, इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो 9 दरवाजे हैं, वो 9 दरवाजे उनके खुल चुके हैं, तो 9 फीट उनको ऊंची वो दीपक दिखाई दिया गया हुआ। फिर लेकिन वो वापिस आ गया, अभी उनका ध्यान स्थिर नहीं हुआ, यानी उनकी साधना उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि वो स्थिर हो जाए। जब एक समय ऐसा आएगा कि वो जो 9 फीट दिखा है उसके ऊपर 10वां जो दरवाज़ा होता है, जब साधना बढ़ जाएगी तो जैसे ही 10वां दरवाज़ा खुलेगा तो परमात्मा के साक्षात्कार हो जाएंगे, बशर्ते कि वो विश्वास के साथ और निरंतरता के साथ ऐसे ही अपनी साधना करती रही। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें घमंड नहीं आना चाहिए कि मुझे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई है। तो देखो, ये कई बार ऐसा होता है जो उनको प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत परम की परम कृपा है। और ये कई बार तो इसलिए होता है कि प्रारब्ध इस तरह का होता है मनुष्य का कि होना हो तो वो पहले ही दिन, अगर आप नाम जप करना बैठो शुरू करो तो पहले ही दिन हो जाए, और नहीं तो 1 साल लग जाए, 10 लग जाए, या सारा जन्म लग जाए, या 4 जन्म लग जाए, 400 साल लग जाए, 4000 जन्म लग जाए, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। लेकिन उनको 4 महीने में ही 3 बार ये दीपक दिखाई दे चुका है और इनको 5 मिनट तक कंटिन्यू दिखाई देता रहता है, ये बहुत ही बड़ी बढ़िया बात है। और अपनी साधना को लगातार निरंतरता से ऐसे ही करते रहे तो उन्हें वो प्राप्त होगा जिसके लिए ऋषि मुनि संत महात्मा पता नहीं कितने कितने सालों तपस्या करते हैं, अन्न भी छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या किस किस चीज़ का त्याग उन्हें करना पड़ता है ये सब प्राप्त करने के लिए, जो उनको गृहस्थ जीवन में रहकर ही केवल और केवल 4 महीने में प्राप्त हो गया। और वो लगी रही तो निसंदेह उन्हें परमात्मा के साक्षात्कार होंगे, उन्हें वो मिलेगा जिसका उन्होंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया, कल्पना भी नहीं की होगी। और ऐसे बहुत ही बिरले ही मनुष्य होते हैं जिनको ऐसे अनुभव होते हैं। तो अगर आपको किसी को भी ऐसा अनुभव होता है तो आप घबराए नहीं, डरे नहीं, बहुत ही शुभ संकेत है। अपनी साधना को निरंतरता विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहे, अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार भी कई तरह का होता है, अगर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अहंकार आ गया तो जितना उन्होंने अब तक प्राप्त किया है वो सब पे पानी फिर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्होंने किसी को गुरु माना हुआ है या उनके कोई गुरु हैं या जिसके भी द्वारा उन्हें प्रेरणा मिली है नाम जप करने की, साधना करने की, तो उनके प्रति उनका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये बात हर एक के लिए है, क्योंकि जिसके द्वारा आप इस रास्ते पे चले हो उसका दर्जा यानी गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा बताया है, गुरु गोविंद 2 खड़े में काके लागू पाए और बलिहारी जाऊं गुरु की जिसने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु का दर्जा गोविंद से बड़ा है, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद को प्राप्त करने का रास्ता दिखाया है।
तो उनका पूर्ण विश्वास होना चाहिए उस गुरु के ऊपर, या जिसके द्वारा भी उनको गुरु नहीं मानना है या जिसके द्वारा वो इस रास्ते पे चली हैं, तो उनको निसंदेह भगवान वो देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की है। और एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ, देखो ध्यान लगाने के लिए लोग बड़े ही प्रयत्न करते हैं, जतन करने पड़ते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, लेकिन जब इनका ध्यान कैसे लगा, नाम जप करते करते ही लगा। इन्होंने पहले प्रश्न पूछा था कि मेरा ध्यान नहीं लगता, ऐसा क्यों कारण है, मैं नाम जप करती जब भी ध्यान लग जाता। ये तो और भी शुभ संकेत है, जब नाम जप करते करते आपका अजपा इस कदर आगे बढ़ जाता है तो अपने आप ही ध्यान लग जाता है, और ये बहुत शुभ संकेत है। ये भी बिरले आदमियों का ही लगता है, अगर आप उनमें से एक हो तो सौभाग्यशाली हो आप। आप भी देखो नाम जप के कितने लाभ मिल रहे, प्रतिदिन मेरे पास कमेंट आते हैं, किसी का डिप्रेशन दूर हो गया, किसी के सांस की प्रॉब्लम दूर हो गई कि तो ज़िंदगी ही बदल गई है, किसी को कुछ अनुभव हो रहे, तो आप भी नाम जप करना शुरू कर दें अगर नहीं किया है तो, और अपनी ज़िंदगी को बदले। तो प्रेमी भक्तों, हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आज के लिए इतना ही, जय श्री राम प्रेमी भक्त।